अब थोड़े से शॉर्ट क्वेश्चन है फैसल, जिनका आप एक शॉर्ट आंसर दे देंगे। आपने कभी खुद किसी को प्रपोज किया? बड़ी पुरानी बात होगी। हाँ किया था। और क्या जवाब आया? ना। ओके। कभी किसी बड़ी उम्र की औरत से अफेयर या पसंदीदगी हुई? हाँ। हाउ वाज दैट? गुड, वेरी गुड। कभी एक दिन की मोहब्बत की? एक दिन नहीं, नहीं, नहीं। कभी सेट पे किसी एक्ट्रेस से बू आई है? फिकर ना करो, नाम नहीं पूछूंगी अगर आई है। हाँ आई है। इनडिसेंट प्रपोजल कभी किसी ने किया? इनडिसेंट प्रपोजल कभी किसी ने? हाँ। चिपकू हेरोइन मिली है कभी कोई, जो हेरोइन चिपकू हो गई हो? हाँ फिल्मों में हुई है, फिल्मों में हुई है। अच्छा, आपके ख्याल में हमारे दौर के या आजकल के ओवररेटेड या पिछले दौर के भी ओवररेटेड एक्टर या एक्ट्रेस कोई थी? मैं आपको बताऊं, मैं तो क्योंकि खुद एक एक्टर हूं ना, तो जाहिर है मैं एक्टरों को तनकीद की नजर से देखता हूं। ठीक है। तो मुझे तो एक्ट्रेस सारे लगती ओवररेटेड। क्या करूं, किस किस का नाम लूं? ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, मैं इंडिया की बात करूं जहां ज्यादा स्टार्स हैं, मैं तो वहाँ भी ओवररेटेड लगता हूँ। तो यार इनकी मार्केट इतनी बड़ी, इसलिए इनका बन गया इतना ना। तो आई मीन अब मेरा तो ये मौकफ है, सॉरी आपकी मैं बात काट रहा हूँ, कि मैं ये कहना भी चाह रहा था इस आपके इंटरव्यू में कि आज अगर आप पाकिस्तानी एक्टर और इंडियन एक्टर का वो हम पंजाबी कहते हैं दंगल करा दें, आप एक्टिंग का दंगल करा के देख लें, पाकिस्तानी एक्टर विल विन विद शाइनिंग कलर्स। पाकिस्तानी एक्टर वेरी इंडिविजुअल, उनका अपना एक स्टाइल है, हर एक्टर का अपना एक स्टाइल है, गुड और बैड। हाँ ये सबने इधर उधर से पकड़, वहां इंडस्ट्री में वो एक ही चीज पर चलते हैं, वो दे हैव टू फॉलो अमिताभ का पैटर्न या दिलीप कुमार का पैटर्न, तो उसमें फिर वो ज्यादा इधर उधर हो नहीं सकते। आप आज करा लेना दंगल, अब मेरा करा लें किसी से दंगल, मैं आप एक्टिंग में इसमें कोई बुराई नहीं है कहने के लिए, ठीक है उनके नाम है, बड़े बड़े नाम है सबके, हमारे भी अपने मुल्क में बड़े नाम है, आप दंगल करा के देख लें। दंगल में दाम लेंथों से, लेंथों से मारेंगे। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ, आप अगर इंडिया पाकिस्तान के बीच में ये कश्मीर का इशू अगर आप कह रहे हैं जी, इसका फैसला उस वक्त होगा, दो एक्टर को खड़ा करके एक्टिंग करा दे, जो अच्छी एक्टिंग करेगा वो उस मुल्क की तरफ कश्मीर चला जाएगा। आपको हम कश्मीर लेकर दिखाएंगे फिर। सही बात है। आई एग्री विद यू ऑन अ सीरियस नोट, आई एग्री बिकॉज हम सीखे हुए नहीं आए। हम सब इंडिविजुअल और सर्वाइव करने के लिए हमने इतना काम करके ऑन सेट सीख लिया। बिल्कुल, हम सब अपने अपने स्टाइल में मंझ गए। Not saying Indian actors are bad. Exactly. I'm saying के they are good and उनको good को देखकर आप भी आपका reaction और ज़्यादा अच्छा हो सकता है, you know? अच्छा, अगर आपको मैं चंद नाम लेती हूँ, इनमें से आप किसके लवर बनना पसंद करेंगे, किसका बेटा बनना पसंद करेंगे, किसका लव इंटरेस्ट या किसका फादर? हाँ जी, माहिरा खान, फादर। सबा कमर, अ शॉर्ट लव। वो कौन सा होता है? एक होता लंबा लव, एक होता शॉर्ट लव। एक दिन की मोहब्बत, एक दिन की मोहब्बत। अतीका ओढ़ो, बेटा। महविश हयात भाई। इकरा अजीज, बाप। नीलम मुनीर, लवर। मानूर बलोच, फ्रेंड। और इससे अगला सवाल फैसल, शादी क्यों नहीं की? क्यों नहीं की? अच्छा, मैंने क्यों नहीं की शादी? बहुत अच्छा सवाल है आपका। But let's talk about something. मैं बताऊँ, वैसे मैं हमेशा इस बात को गोलमोल कर जाता हूँ, लेकिन मैं आज मैं थोड़ी सी बात आपको बताता हूँ कि इसमें ये है कि लोगों को थोड़ा सा एहसास होगा कि मैं गोलमोल बात नहीं कर रहा। मैंने अपनी ज़िंदगी में इस एज में आके जो चीज़ मैं अपने आप को भी बहुत वो सोचता हूँ कि मैं क्यों इस किस्म का, मेरे
किसी के साथ क्लोज होना मेरे लिए बड़ा मसला है. दैट कैन बी एंड इट आई एम नॉट सेइंग कि मेरा कोई ये कोई नेगेटिव एस्पेक्ट है. मेरा मैं क्लोज जब बहुत इमोशनली क्लोज हो जाता हूँ ना किसी से तो फिर आई लूज माई सेल्फ. आई बिकम आई कंप्लीटली बिकम दैट पर्सन. पंजाबी कहते स्टपनी बन जाता हूँ. मैं इतना नीचे लग जाता हूँ कि मैं अपने आप को भूल जाता हूँ. दैट इज़ अ वेरी स्कैरी थिंग फॉर मी बिकॉज मेरा सेल्फ आई लाइक टू हैव माई बींग माई सेल्फ एंड आई वॉन्ट टू चेरिश इट. मैं अपनी मैंने इतने सालों में बड़ा अपने आप को अपनी साइलेंस और मेरी जो स्टिलनेस है उसको मैंने नरिश किया है. तो मैं उसको मेंटेन करना चाहता हूँ. मैं हमेशा भी जब भी मैं किसी से बहुत क्लोज होता हूँ, मेरे फ्रेंड्स भी बहुत मेरे क्लोज हैं, लेकिन जब भी मैं किसी से इमोशनली क्लोज हुआ हूँ ना आई लूज ऑल अंडरस्टैंडिंग ऑफ माई सेल्फ. इट्स अ वेरी यूनिक थिंग आई गेस. यू नो आई मीन तो मुझे ये हमेशा होता है कि यू नो अगर मेरी जितनी जिंदगी में लोग आए जिन उनको वो ख़वातीन 6-6 महीने के बाद जा चुकी हैं बिकॉज दे सी कि देर इज़ अ लाइन दैट आई ड्रॉ. वो चली जाती हैं कि आप चले जाते? नहीं, मैं नहीं जाता कभी भी नहीं. मैंने ज़िंदगी में कभी भी एक तो मैं इफ़ आई एम नॉट फ्रेंड्स विद समबडी देन आई रियली एम नॉट फ्रेंड्स. यू नो लाइक मैं आई डोंट इवन प्रिटेंड टू बी फ्रेंड्स. यू नो सो जो मेरे साथ मेरी ज़िंदगी में लोग आए हैं उनको वो हमेशा खुद गए बिकॉज एक तो ये कि हमारा नॉवल्टी फैक्टर है. आप एक्टर हैं, स्टार हैं, आपकी शक्ल स्क्रीन पे आती है. कई लोगों की ये होता है कि जी अच्छा जी वो 6 महीने में उनका कहते हैं चा ले गया उन्हें था. तो वो उनका चा ले जाता है तो वो कहते हैं जी ठीक है भी हो गया जी कर लिया. कई लोगों का चा नहीं लेता, वो साल भी गुजार लेते हैं. तो वो लेकिन ये कि वो इवेंचुअली दे फाइंड आउट कि आई हैव अ लाइन ड्रॉन समवेयर. एक हद से आगे बढ़ नहीं सकते. वो विच इज माई इमोशनल थिंग, नॉट फिजिकल और एनीथिंग. इमोशनल जो है ना एक, क्योंकि आई नीड टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ. अब ये समथिंग यू डोंट वॉन्ट बिकॉज आई थिंक सभी के साथ ये होता है, अक्सर रिलेशनशिप्स में ये होता है. लेकिन यू आर समवन जो कि ये नहीं चाहते कि मेरी जिंदगी में हो. मुझे डर लगता है असल में. अब ये दुनिया में कोई इस तरह कोई होगा जिसने जो ये सुन के तो करीब आ जाए तो वो अलग बात है, मुझे नहीं पता इसका. अच्छा फैसल, बाबरा शरीफ के साथ वहाँ उस जमाने में हेरविंद के साथ, आपने शबनम के साथ भी काम किया. उन हेरविंद के साथ काम करते 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 अब आप सज्जल तक के साथ आपने काम किया. हाँ, सज्जल के साथ. सो आपको ट्रांजिशन क्या लग रही है, एक लीडिंग लेडी जो उस जमाने की थी और अब जो है, जबकि सोशल मीडिया भी इतना आ गया, इतनी अवेयरनेस भी है, काम भी और तरीके से होना शुरू हो गया, क्या डिफरेंस आप देखते हो तब की लीडिंग लेडी में और आज की लीडिंग लेडी? आई थिंक जो मुझे पहले ही होता था कि जो आपकी लीडिंग लेडी होती थी ना, जिस तरह अगर आप स्टार हैं, जिस तरह बाबरा शरीफ है स्टार, शबनम स्टार थी, उनमें आपको बड़ा कॉन्फिडेंस नज़र आता था बिकॉज वंस यू गेट टू दैट लेवल तो आपने ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस आ जाता बिकॉज यू रूल द स्क्रीन. अब जो फ़र्क है वो ये मैंने देखा है कि एवरी गर्ल इज़ कॉन्फिडेंट. Every girl, even if she's not doing the lead, कोई भी वो रोल कर रही है उसमें ऐसा ही कॉन्फिडेंस है जो उस ज़माने में नहीं होता था. जो लड़कियाँ उस ज़माने में दूसरे रोल करती थी, they didn't have much of confidence. उस तरह से क्या, तो मैं तो बड़ा इंटिमिडेट हो जाता हूँ अब मैं देख. Really? किससे हुए? बड़ी लड़की से इंटिमिडेट होता हूँ. सज्जल से हुए? सज्जल से नहीं हुआ, सज्जल से नहीं हुआ. हिना अल्ताफ से इंटिमिडेट. Why? अभी भी हो जाता हूँ मैं इंटिमिडेट. अच्छा फैसल रहमान अगर कोई फिल्म बनाता है अपने लिए जिसमें वो खुद काम करता है, वो फिल्म क्या होगी, क्या स्टोरी होगी, क्या हो रहा होगा उसमें? ओह अच्छा, उसमें तो तुम्हारा मतलब मैं इमेजिन करूँ कि अगर मैं अपने आप पर फिल्म बना रहा हूँ तो वो क्या होगी? देखो शुरू इससे होगा जो मेरा प्रेजेंट है बिकॉज आई बिलीव इन प्रेजेंट. यू नो मैं प्रेजेंट टाइम से शुरू करूंगा, इसको जक्स्टपोज करके इसके इर्द गिर्द सारी चीज़ें करूंगा. यू नो क्योंकि ये एक एक्टर है
जो कि समझता है कि बड़ा टैलेंटेड है, और वो कह रहे यार मुझे आजकल काम मेरे पास नहीं है और मैं क्या करूं। तो मैं फिर मुख्तलिफ कैरेक्टर्स अपने जेहन में बना के तो मैं खुद उसको क्रिएट करूंगा कि जैसे मैं ये भी कर सकता हूँ, क्योंकि लोग मुझे हमेशा ये समझते हैं कि ये बड़ा अंग्रेजी स्पीकिंग टाइप हो सकता है ये वो। तो हालांकि मैं रिक्शे वाले का रोल इतना अच्छा कर सकता हूँ, मैं झाबड़ी वाले का इतना अच्छा कर सकता हूँ, वो सारी चीज़ें ना उसका उसका मैं एक पूरा वो बना के ना कोलाज बना के उसका कोलाज बना के वो मैं अपने अपने यूट्यूब चैनल में करना भी चाहता हूँ, उसका एक कोलाज बना के ना, तो वो मैं उसकी एक वो फिल्म बना के तो वो उसको फिर मैं दुनिया में प्रेजेंट करना चाहता हूँ कि ये अब फैसल रहमान ये कर रहे हैं, अब ये सिंघाड़े बेच रहे हैं, अब ये रिक्शा चला रहे हैं, तो यानी पूरी फिल्म फैसल के ऊपर हो सारी। हाँ वो मैं हर कैरेक्टर जो है ना मुख्तलिफ कैरेक्टर्स को उसके दो दो सीन डाल के उस कैरेक्टर का पूरा वो रंग डाल के तो उसकी पूरी फिल्म बना के तो मैं प्रेजेंट कर देना चाहता हूँ। आई फाइंड इट रियली इंटरेस्टिंग। इट